मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर पदयात्रा निकालते हुए कार्यालय का घेराव कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीपी पटेल के चेहरे पर काली खपोत दी। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह, युवा कांग्रेस नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर पद यात्रा निकालते हुए चौरई अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय जा पहुंचे और घेराव कर दिया। एसडीएम पहले बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे, तभी कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने उनके चेहरे पर कालीन पोत दी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना पर आला अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। देखिए, आज की जो घटना है निश्चित रूप से बड़ी अफसोसजनक है और खेदजनक है, खासकर तब जब प्रशासकीय अमला किस तरीके से कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी तरीके की लिमिटेशन का ध्यान न रखते हुए सुबह शाम रात 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर है। आपके ध्यान में होगा कि 28 तारीख को जब अतिवृष्टि के कारण जिले के अन्य क्षेत्र और चौराई में विशेष तौर पे लगभग हमारे 30 के आसपास गांव और उसमें भी 12 ऐसे जिसमें कि एक बड़ा बसाहट जो है बाढ़ के कारण जल प्लावित हुआ, उनके रेस्टोरेशन के लिए, उनके बचाव कार्य के लिए, उनको किस तरीके से राशन, पानी, बर्तन और तमाम आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए हमारा प्रशासकीय अमला लगा रहा। और आज जो घटना यहाँ पर हमारे सीपी पटेल जो वहाँ पे अनुभागीय दंडाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों के लिए सहज सुलभ रहे हैं हमेशा, उनके साथ जो घटना हुई है उसके प्रति हम खेद व्यक्त करते हैं और हमें लगता है कि उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और इस बात का संज्ञान हम लोगों ने तो लिया ही है और पुलिस अधीक्षक से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो जवाबदार लोग हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि कोविड के इस विपरीत परिस्थिति में और अगर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौर में भी अगर हम लोग अपने परिवार और अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून का भय उन लोगों पर रहना चाहिए जो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ने की जिज्ञासा रखते हैं, और उस बात में हमें अभय किया जाना चाहिए। अन्यथा इस तरीके से स्वतंत्र रूप से हम काम अगर नहीं कर पाएंगे तो उससे जनता की सेवा ही प्रभावित होगी, उससे शासन प्रशासन की गतिविधियां ही प्रभावित। बताओ, राज्य प्रशासनिक संघ आपकी क्या मांगे इस संबंध में? लगातार हम लोगों ने ये बात कही है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग हैं उनकी सुरक्षा को देखा जाए लगातार, क्योंकि कानून का पालन कराने के हम लोग एजेंसी हैं। और अगर हम लोग इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आपको चुनौती में रहते हुए भी अगर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो पर्याप्त कानूनी हमें सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस को तो आगे आके स्वयं, क्योंकि ये व्यवस्था के सामने प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, सीपी पटेल यहाँ व्यक्ति नहीं है, स्वयं शासन प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर अगर ये कोई घात लगाते हैं यदि उनकी प्रतिष्ठा और उनकी सुरक्षा को उनके साथ कोई मैनहैंडलिंग की घटना करते हैं तो ये व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये सीधा जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक तंत्र है उसके ऊपर हमला है, उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही पुलिस को स्वयं संज्ञान लेकर। पटेल जी ने कोई एफआईआर दर्ज कराई थी क्या या संघ ने कराया? अभी देखिए, चूंकि संघ के वो सम्मानीय सदस्य हैं, हम लोगों ने यहाँ उनको बुलाया है और एक बार राय होकर जिस तरीके की बात होगी वो जरूर की जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर अगर कराना पड़ेगा तो हमें लगता है कि फिर संघ जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, हम संघ की तरफ से प्रयास करेंगे और अगर कानूनी बाधाओं में स्थिति बनती है तो व्यक्तिगत तौर पर भी किया जाएगा। देखिए, कोविड महामारी चल रही है, उसके बाद इतनी मेहनत प्रशासन करता है लेकिन राजनेता या राजनीतिक दल लगातार उसका उल्लंघन करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ उत्पन्न होती है, इससे कहीं ना कहीं। देखिए, आमतौर पर ये जितने भी काम प्रशासन करते हैं वो समाज और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही करते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन ये करूंगा आपकी बात पे कि आमतौर पे सामान्य तौर पे लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करने में रहते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं, कभी कभी लोगों की अपेक्षाओं को भी हम लोग थोड़ा सा दरकिनार करते हुए उसको एक मध्य मार्ग निकालते हैं, जैसा कि शासन प्रशासन की उपलब्धता होती है या कि जो किया जा सकने लायक काम होती है, जो लिमिटेशन होती है उसमें लोगों का सहयोग होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे अवांछनीय तत्व आके उस व्यवस्था को चोट पहुँचाने का काम करते हैं उसके जरूर हम लोग निंदा करते हैं और उसमें जरूर कठोर कानूनी कार्रवाई।
जैसा अभी आपको हमारे वरिष्ठ हमारे संघ के सदस्य आदरणीय नागेश साहब ने आपको बताया कि हम बहुत आहत हैं, पूरे शासकीय कर्मचारी आहत हैं। आज हमारे पास जिले के सभी शासकीय संगठनों के कर्मचारियों के फोन आए हैं, वो सब ऐसे माहौल में काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करते हैं कि इसमें आदरणीय सीपी पटेल जी, जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और पिछले एक महीने से हम उनको देख रहे हैं यहाँ पे, कि जिस तरीके से उनने कार्य किया है पूरे बाढ़ आपदा में, रात दिन मेहनत करके, और पूरा जिला प्रशासन का पूरा अमला, चाहे वो हमारा राजस्व विभाग का अमला हो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी हो, SDM हो, चाहे ग्राम पंचायत का सचिव और नगरी क्षेत्र का अमला हो, पूरे अमले ने आम जनता की सेवा के लिए इस विपरीत परिस्थिति में भी, COVID-19 के संक्रमण के दौरान भी, प्रधानमंत्री के जो ये आंदोलन हुआ किसानों का, वहाँ पर आए वो लोग और खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस बल भी हमारा लगा हुआ था, मुझे बुलाया गया, मैं पहुँच गया वहाँ पर। आपस में बातचीत लोग करते रहे, नारेबाजी करते रहे, मैं चुपचाप खड़े होकर सुनते रहा। इसके बाद अचानक कोई उठा वहाँ पर से और आकर के सीधे गला दबाने का और प्राणघातक हमला किया मेरे ऊपर, और फिर उसमें मेरे उस पर काले पोती गई है। और इसके बाद फिर मैं तुरंत पीछे आ गया और फिर मैं जब अंदर चला गया तो फिर पत्थरबाजी भी की है उन लोगों ने मेरे कर्मचारियों को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को भी हल्की चोट आई है। इस तरह का दुर्व्यवहार उनके द्वारा किया गया। सर, ये जो आपने बताया अभी कि जो आपको गला दबाने की जिसने कोशिश किया, क्या सर आपको चिन्हित करते हैं, आप जानते हैं उसको जिसने किया? वीडियो में है जी, सब चीज़ें मुझे लगता है आप सबके सामने वीडियो में है। उनका नाम, सर नाम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम नवीन पटेल, वो बंटी पटेल करके हैं, बंटी पटेल ने किया जी। जी ठीक, अभी कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम हमने दे दिया है, अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी सर। लेकिन इसमें बहरहाल SDM के चेहरे पर कालीन पोतने की घटना के बाद जहां सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भाजपा ने कांग्रेस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। छिंदवाड़ा से राकेश पाल की रिपोर्ट।